गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसी की कड़ी में जिला प्रशासन यमुनानगर द्वारा भी कल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए थे, जो आज सुबह 5 बजे से लेकर 10 तारीख को सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे। तो इसके अंदर विभिन्न कैटेगरीज को एग्जेम्पशन भी दी गई है, जो दुकानें खुलेंगी तो वो डिटेल मेरा ऑर्डर मैंने सर्कुलेट भी कर दिया था और आप सबके पास भी पहुँच गया था। तो मेन उसमें जो इसेंशियल गुड्स हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी, जैसे किराना शॉप्स हो गई या फूड्स एंड वेजिटेबल्स की शॉप्स हो गई जो पहले भी खुली हुई थी। उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल हैं वो सारी पूर्णतः बंद रहेंगी। सर, कोई समय भी रखा गया इसके लिए, कितने बजे तक खुलेंगे? समय तो मेरे अर्लियर ऑर्डर तो जो था उसके हिसाब से ही चलेंगी, जो हमने पहले रेगुलेट किया था मार्केट्स के अंदर ताकि भीड़ भाड़ ना हो, तो उसी हिसाब से वो चलेंगे। तो सर, किस प्रशासन किस प्रकार से सख्ती करेंगे? हम ये हमारा ये प्रयास है कि आम जन को किसी भी तरह जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं या दूसरे हैं, उसको लेके कोई भी दिक्कत ना आए और जो भी प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में रहें, उसके लिए एक हम टीम्स का गठन करेंगे जो पीरियोडिकली चेकिंग करेंगी ताकि कोई भी व्यक्ति होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। सर, जनता को क्या करेंगे? जनता से मैं यही कहूँगा कि जिस तरह का COVID-19 का इसमें तीव्रता आ गई है केसेस बढ़ने में, अब बचाव ही में ही सुरक्षा है। अगर हम नहीं संभले तो दिक्कत आ सकती है और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये कड़ा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। तो जितना इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से दी गई हैं उससे ज़्यादा हम बढ़ चढ़ के इस लॉकडाउन का पालन करें और अनावश्यक रूप में तो बिल्कुल ही अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है, अन्यथा इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। सर, जो वायलेशन करेंगे इसकी लॉकडाउन के, किस प्रकार की करेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और IPC की 188 धारा है, उसके तहत निश्चित तौर पर जो वायलेटर्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें डिटेल ऑर्डर है, उसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे जिस तरह जैसे मैंने बताया एसेंशियल गुड्स के आइटम्स हैं, किराना शॉप्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्स मीट्स, उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी ताकि चलती रहे उसके लिए भी हमने अलाउ कर रखा है। इंडस्ट्री सिर्फ रूरल एरिया में ही चलेंगी और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में चलेंगी, अर्बन एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं चलेंगी। और जो इंडस्ट्री चलेंगी उनको अपने स्टाफ के लिए वो सरल हरियाणा पोर्टल से अपने मूवमेंट पासेस ले सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनसे संबंधित सभी गतिविधियाँ चलती रहेंगी। सर, होटल रेस्टोरेंट क्या डिलीवरी दे पाएंगे या उसके लिए कुछ अलग से? होटल रेस्टोरेंट वो सिर्फ डिलीवरी ही दे पाएंगे।